खबर आपको देंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में स्पीकर अमजद जैदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है। खुफिया राय शुमारी में हाजिर 22 में से 21 अराकीन ने स्पीकर के खिलाफ वोट दिया, जिसमें आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में स्पीकर अमजद जैदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। तफसीलात हासिल करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इम्तियाज अली ताज से। इम्तियाज बताएगा तफसीलात। जी, स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली सईद अमजद जैदी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी कमेटी ने एक हफ्ते कबल तहरीक आदम एतमाद पेश की थी, जिसके बाद जो है जियो एंटेक की बुनियाद पर अमजद जैदी को वजारत की ऑफर की गई थी और इस दौरान मुजाकिरात जारी थे और उनको कैल किया गया था कि वो गवर्नर को अपने इस्तीफा पेश करें। गवर्नर को जब अमजद जैदी ने इस्तीफा पेश किया तो गवर्नर ने इसे कबूल नहीं किया और 3 दिन बाद अमजद जैदी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया और इसी के बाद जो है आज यहाँ पे अमजद जैदी को बगैर हटाने के लिए खुफिया रायदारी हुई और इसके नतीजे में जो 22 वोट जो पड़े थे उसमें 21 वोट से जो है ये तहरीक कामयाब हो गई और अमजद जैदी को 21 वोटों की भारी अक्सरियत के साथ उनको ओहदे से फारिग कर दिया गया। और अब से थोड़ी देर बाद जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब अमल में लाया जाएगा। इसके लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है अपने जो है उम्मीदवार है वो मैदान में उतारने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ देर में इसके उम्मीदवारों का ऐलान होगा और उसके बाद वोटिंग होगी। जी, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में स्पीकर अमजद जैदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है। तफसीलात बता रहे थे इम्तियाज अली ताज, शुक्रिया आपका।